कोई रामगढ़ थाने का मामला है, रामगढ़ थाने पर ही आ रहा हूँ। आप लगातार देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है और सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध करने पर अधिकारी बकायदा धमकी पे उतर आ रहे हैं। उसमें आज रामगढ़ में भी घटना हुआ, जो अपराधी एक हफ्ता पहले मुझे धमकी दे रहे थे रंगदारी के लिए, उनकी जांच पुलिस ने नहीं किया। आज वही पुलिस 1:12 बजे रात के यहाँ घर पर, किसान के घर पे गई यह बात कहने के लिए पुलिस कि आपका जो ट्रांसफार्मर और ताल पुल जो लगने वाला है वो नहीं लगेगा। मैं वो किसान वो जब आए मुझे सुबह बताने के लिए, तो हमने पूछा उस दरोगा से कि भाई आप किसान क्या घर पे क्या करने गए थे 12 बजे रात को, कोई FIR था? ये तार पोल खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, आपके जो अधिकारी है पैसा घूस मांग रहे हैं, तो आप बिजली विभाग के अधिकारियों के प्रोटेक्शन में आप रात को 12 बजे चले जाइएगा किसान के घर पे, अपहरण किया है, मर्डर हुआ है। तो बकायदा वो दरोगा धमकी दिया देख लेने का, और नीतीश के राज में यही चल रहा है, ये कोई अलग का घटना नहीं, उसी तरह की घटना है और कोई असर नहीं। और फिर दिन में 12 बजे जाकर किसान के यहाँ धमकी दिया कि तुम्हारा अगर तार पोल लगवाओगे तो उखड़वा लेंगे, जबकि कोई भी उसका अधिकार नहीं बनता किसान के घर पे जाने का, पुलिस का, बिजली विभाग के अधिकारी जाएंगे, तो बिजली विभाग के अधिकारी नहीं गए आप कैसे चले गए? तो ये जो पूरी गुंडई है पुलिस की, खास तौर से रामगढ़ का, और SP से मैंने कहा तो उसकी भी बात नहीं सुना नीचे के अधिकारियों ने। इस तरह की SP आजकल है जिसे नीचे दरोगा बात नहीं सुनता, उसका DSP बात नहीं सुनता, ये हालत है इस बिहार में। क्या माना जाए कि आप एक सांसद हैं, आपकी बातों को बहुत हल्के में लिया? हल्के में सांसद की बात, मंत्रियों की बात तो ले ही रहे हैं, आम आदमी का तो रोज ही कोई सुनवाई नहीं। अब तो ये सांसद और MLA MP का भी बात और मंत्री का भी बात नहीं सुनते, इस तरह का जो कल्पना से परे था कि हम डेमोक्रेसी में जिंदा है, लोकतंत्र में, कि राजाओं का तंत्र कोई। क्या मांग करते हैं सर अब इस कार्रवाई को? मांग तो क्या करनी है, नीतीश कुमार से मांग करने से क्या मतलब? उनके यहाँ कोई कार्रवाई होना है क्या नीतीश कुमार के यहाँ? ऐसा आपको विश्वास है कि नीतीश कुमार के राज में इस तरह की कार्रवाई होगी, जांच होगी? दारोगा से कुछ पैसा ले लेगा और लेकर के चुप लगा जाएगा, बहुत होगा तो मेरे पे ही कोई आरोप लगा देगा कल, यही होगा नीतीश कुमार के राज में। दिन भर दारू का पैसा वसूलते हैं, अभी बक्सर में भी कोई पकड़ाए हैं अधिकारी दारू का पार कराते हुए? बताइए, सरकारी अधिकारी जिसको जिम्मेदारी थी रोकने का वही पार करा रहा था यहाँ पर, तो इस तरह की रोज घटना चल रही है। महाजंगल राज है ना, जंगल राज, महाजंगल राज, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहा, मीडिया को कभी कभी नहीं दिखता है कि जंगल राज नहीं है।